बच्चों और युवा पीढ़ी को सफल बनाने के लिए सरकार शिक्षा पर जोर तो दे रही है, लेकिन शिक्षा प्रणाली और शिक्षण संस्थान को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है। जरा सोचिए, अगर शिक्षा के मंदिरों का हाल बेहाल होगा तो बच्चों का विकास क्या खाक होगा। अब यूपी के हमीरपुर जिले के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तो हद ही हो गई। क्लासरूम में बंद ताला खुला तो चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। जी हाँ, क्लासरूम में बच्चों की जगह भरा है भूसा। हमीरपुर जिले में सरीला इलाके के पुरैनी गांव के पूर्व माध्यमिक विद्यालय के कमरों में ताला पड़ा है और बच्चे वरांडे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। और प्रधान अध्यापक का कहना है कि यह काम ग्राम प्रधान का है। गर्मियों की छुट्टियों में मई जून के महीने में ये डलवा दिया, जब विद्यालय खोले हैं जुलाई में, तो भूसा पड़ा था यहाँ पे। तो हो सकता है कि गांव वालों ने ये गौशाला के पर्पज से डाल दिया है, कमरे तो निष्प्रयोग थे। किसने डलवाया भूसा? अब भूसा सुनने में आया कि ग्राम प्रधान ने डलवाया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच का आदेश दिया। पुरैनी पूर्व माध्यमिक विद्यालय का प्रकरण संज्ञान में आया है कि विद्यालय में भूसा भरा है। मैंने खंड शिक्षा अधिकारी से मौखिक रूप से वार्ता की है, बात किया, उसको निर्देशित किया है कि तत्काल स्थल में जाकर के उसकी जांच करें और देखें उसमें क्या है कारण, और पूरी आख्या हमको दें, और आख्या आ जाने के पश्चात में जो भी विधिक कार्रवाई होगी मैं तत्काल करता हूँ। बड़ा सवाल यह उठता है कि ऐसे कितने विद्यालय होंगे जो खस्ता हाल का शिकार है और जहाँ बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। NTTV भारत के लिए हमीरपुर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।